दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 34 पहुंची। तलाशी के दौरान नाले से मिले दो और शव। दिल्ली के चांदबाग से दो और शव बरामद। सीएम केजरीवाल ने बुलाई उच्च स्तरीय आपात बैठक। चांदबाग में हिंसा के दौरान मंदिर की ढाल बने मुस्लिम। विजय पार्क में दोनों समुदायों ने मिलकर दंगाइयों को खदेड़ा। दिल्ली हिंसा और उसके बीच हाईकोर्ट के जस्टिस के हुए ट्रांसफर के मसले में कांग्रेस पार्टी ने बोला हमला। कहा ऐसा लग रहा है कि देश में न्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा में गुरुवार को जाति आधारित जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित। केंद्र से मांग की गई कि 2021 की जनगणना जाति आधारित हो। कासगंज के सहाबा थाना पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी। कई लीटर लहन पुलिस ने किया नष्ट। मौके से 50 लीटर अवैध शराब भी बरामद। चंदौली के डीडीयू नगर में चोरों का हौसला बुलंद। दिन दहाड़े घर में घुसकर दिया चोरी की घटना को अंजाम। अलमारी में रखे 2 लाख के गहने के साथ नकदी लेकर हुए चंपत। कासगंज के पटियाली रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन के चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत। सूचना पर पटियाली थाना पुलिस मौके पर। यूपी कैबिनेट के मंत्री नंदी पर चलेगा दलित उत्पीड़न का मुकदमा। कोर्ट ने खारिज की केस वापसी की अर्जी। और महिला विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को 4 रन से हराया।